डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। एक तरफ राजस्थान की राजनीति में पैसों का लेनदेन कर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ अजमेर के कांग्रेस नेता पर उसी के दामाद ने अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करने और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित युवक राकेश कुमार गोयल का आरोप है कि उसकी पत्नी नेहा, उसके ससुर राजेंद्र गोयल, उनकी सास मंजू गोयल, साले भरत गोयल और साले की पत्नी नैना गोयल मिलकर लंबे समय से उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने उसके खिलाफ अपनी पत्नी से अप्राकृतिक यौनाचार का मुकदमा दर्ज कर 2 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल लिए और अब सभी आरोपीगण मिलकर उस पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, ताकि वे इन रुपयों के माध्यम से अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की कुर्सी को खरीद लें। राकेश गोयल ने आरोप लगाया कि इस मांग को लेकर पिछले दिनों उसके ससुर और साले ने उसे बंदूक के दम पर धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। बाद में 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने भी उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए मांगी गई रकम का भुगतान करने की बात कही। इस पूरे मामले में राकेश गोयल ने आदर्श नगर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है, साथ ही अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी है। क्या वारदात हुई है और आज आप किससे मिलने आए हैं? भैया मैं राकेश कुमार गोयल हूँ, मेरे पिताजी का नाम प्रवीण चंद गोयल है। मैं आज एसपी साहब के सामने समक्ष पेश हुआ हूँ क्योंकि मेरी पत्नी नेहा गोयल, पुत्री राजेंद्र कुमार गोयल, उसके पिताजी राजेंद्र कुमार गोयल, उसकी माता मंजू लता गोयल, उसका भाई भरत गोयल और उसकी भाभी नैना गोयल, ये सभी मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने सबने मेरे खिलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए थे, जिसमें 377 जैसा इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें इन्होंने मेरे को आजीवन कारावास तक की धमकी दी। उस सब झूठे मुकदमों की सर रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद महिला थाने से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मेरे को इन्होंने नहीं बताया कि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और ये मेरे से बार बार रुपए ऐंठने का प्रयास करते रहे और इन्होंने मेरे 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मेरे से पैसे खा गए। इन्होंने मेरे से वसूली करी है, रंगदारी करी है 2 करोड़ 10 लाख की। अभी अब बोलते हैं कि हमें एडीए चेयरमैन बनना है, उसके लिए तुम 1 करोड़ रुपए और दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को जान से मार देंगे। तो मैं एसपी साहब के सामने पेश हुआ हूं कि मेरे को न्याय दिलाया जावे और इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई करी जावे। पत्नी और उनके सास वगैरह ही कर रहे हैं उनकी मेरी पत्नी, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसकी भाभी। क्यों कर रहे हैं ये सर? इनको शुरू से मेरी प्रॉपर्टी और मेरे व्यवसाय से चिढ़ थी और मेरे पैसे ऐंठने की फिराक में रहे। इन्होंने मेरे से 13 जनवरी 2020 को ही 50 लाख रुपए लिए हैं, जो कि मैंने इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसके पहले भी मेरे पैसे खा गए। 2 करोड़ 10 लाख रुपए मेरे खा चुके हैं और 1 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं, नहीं तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। अभी 14 जुलाई को इन्होंने मेरे प्लॉट के पास आकर बंदूक दिखा के मेरे को धमकी दी और 15 जुलाई को मेरे शोरूम पे भेजकर मुझे कहा तू सर के पैसे दे दे। इन्होंने 2 लड़के भेजे और कहा सर के पैसे दे दे 1 करोड़ रुपए और जो तुमने तेरे को समझाया है, नहीं तो तेरे को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। शिकायत करी थी आपने इसकी? सर मैंने एसपी साहब को शिकायत करी है, सीओ साहब को शिकायत करी है, आदर्श नगर थाने में शिकायत करी है और मैंने कोर्ट में 156(3) के तहत इनके विरुद्ध परिवाद दाखिल करा है। आज मैं एसपी साहब को ज्ञापन देने यहाँ आया हूँ। राकेश कुमार गोयल, भरतपुरा बाईपास सेदरिया।